एपी व्हीकल से यहाँ पे जोनाथन को गॉडलाइक को एलिमिनेट कर दिया था। इस बार देखते हैं क्या गॉडलाइक अपना रिवेंज ले पाएगी। क्लच गॉड को यहाँ पे नॉक किया जाएगा पुकार, बट जी गॉड इंस्टेंट यहाँ पे स्काउट को भी जो है ट्रेड निकालते हुए दिखाई देंगे। पुकार यहाँ पे अपने आप को हील करना चाहेंगे। आदित्य इज गोइंग फॉर द रिवाइवल ऑन टू स्काउट ओपी एंड सरांग यहाँ पे शैडो को भी नॉक कर देंगे। अब गॉडलाइक के दो प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं एंड रिवाइव का प्रोसेस इतना आसान नहीं रहेगा। जी गॉड भी काफी ओपन में आ रहे हैं। पुकार ऑलरेडी क्लोजिंग इन टुवर्ड्स अ प्लेयर जोनाथन एंड जोनाथन टेक्स हिम डाउन। Well, definitely, काफी क्लोज तो चले गए थे पुकार, लेकिन जोनाथन विल बी एबल टू फाइट दिस ऑफ। फुल फोर मैन स्टैंडिंग हो चुकी है गॉडल एंड इस प्रोसेस में पुकार को खो चुके हैं टीम एक्सपर्क। दैट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पुकार को सपोर्ट की जरूरत थी, उस समय जरा सा भी सपोर्ट मिलता तो बहुत अच्छी पोजीशन हो सकती थी। सारंग की तरफ से एक सपोर्ट आ सकता जो कि काफी अच्छा एंगल यहाँ पर लेके बैठे थे, लेकिन उनकी नजर जी गॉड पर इतनी गड़ी हुई थी कि वो फोकस ही नहीं कर पाए जोनाथन के साथ की फाइट पे। एंड अब देखिए जोनाथन आएंगे, उन्हें सजाए मौत सुनाएंगे एंड साथ ही साथ सारंग भी मैच के बाहर हो जाएंगे। जोनाथन इज नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। आदित्य के ऊपर भी इनके क्रॉसेस जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्मोक्स आ गए, स्मोक्स अभी भी हैं। जोनाथन अपनी टीम को वापस बचा पाएंगे हैं, पूरे चारों प्लेयर्स को लेके आए। पुकार को एलिमिनेट किया, सरांग को एलिमिनेट किया, बट यहाँ आदित्य का जो ग्रेनेड आया है जोनाथन को यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा। शैडो ओजी पे भी कंफर्मेशन आ जाएगा। दैट मींस अब फिर से तीसरी बार टेबल्स हैव टर्न। क्लच गॉड भी यहाँ पे आदित्य के नॉक से ग्रेनेड से नॉक होते हुए दिखाई देंगे। स्काउट ओपी व्हीकल से यहाँ पे जोनाथन को फिनिश ऑफ करते हुए मात्र एक प्लेयर बचे हैं गॉडलाइक की टीम में। That is Z-God and Scout यहाँ पे close कर रहे हैं distance and Z-God window से shot लेके Scout को यहाँ पे knock करते हुए दिखाई दे रहे हैं। Z-God अकेले बचे हैं, अब Scout को revive तो नहीं मिल पाएगा। Z-God gets the confirmation as well। ये fight बहुत ज़्यादा interesting हो रही है। आते थे open में आएंगे काफी ज़्यादा damage यहाँ पे लेते हुए, but instant rock का cover उनको मिल जाएगा। तीन finishes already हैं, चौथे finish की तलाश है towards आदित्य, but आदित्य यहाँ पे थोड़ा सा flank angle create करते हैं and इसके साथ bridge का advantage लेके Z-God को 1 HP पे लेके आ चुके हैं। UMP 45 क्लोज रेंज में वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड पावरफुल वेपन आफ्टर DBS काम आएगी आदित्य के एंड ही एलिमिनेट्स द लास्ट प्लेयर।